हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमने 12th की स्टार्ट की है और आज लेक्चर 5 है और हम आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। बेसिकली हम लोग आज जो चीजें क्लियर करेंगे वो करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे बात होगी हमारी, साथ ही हमारी बात होगी एक दो टॉपिक पे। एक टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गैस इन लिक्विड। तो हमारे टोटल मिला के दो टॉपिक रहेंगे आज के। पहला रहेगा सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा रहेगा गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी की हम टोटल इनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो देखिए जो सॉल्युबिलिटी होता है, बेसिकली सिंपल सा मतलब है सॉल्युबिलिटी का, पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करके बताऊंगी। इट मींस के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वी कैन से एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट डिजॉल्व एट दैट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर वी कैन से, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं, प्रॉपर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट जो है, या मैं बात करूं कितना सॉल्यूट का सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो सकता है एक निश्चित सॉल्वेंट में और एक निश्चित टेम्परेचर। आई बात समझ में कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की डिजोल्वेशन, कितना वो डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, किसमें डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका ये है हमारी सॉल्युबिलिटी। देखिए, जो सॉल्युबिलिटी होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है, कई बार कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। पहला होता है नेचर, भाई नेचर किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, भाई नेचर कैसा है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। इससे क्या मतलब हुआ कि देखिए एक प्रिंसिपल होता है हमारे केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कुछ पॉलर सब्सटेंस होते हैं, कुछ नॉन पॉलर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है जिसका जैसा नेचर होगा वो उसी टाइप के नेचर में डिजॉल्व होगा। मतलब कि जिस सॉल्यूट का जैसा नेचर होगा वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। मैं बात करूं, सपोज करिए कोई पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा, डिजॉल्व होगा। मैं बात करूं अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। आई बात समझ में, ये इनका नेचर है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूं। मैं बात करूं अगर पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट की, तो मान लीजिए हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में घोलूं, पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, अगर मैं पानी में सोडियम क्लोराइड को घोलूं तो वो इजीली घुल जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी क्या है, पोलर है, और पोलर है, और पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इनकी प्रकृति या नेचर एक जैसी हो गई, ठीक है। बात करें नॉन पोलर की, तो आपने घरों में नेफथलीन की गोलियां देखी होगी, जो कि हम रखते हैं कई बार। तो देखिए, जो नेफथलीन की गोलियां है वो पानी में नहीं घुलती, क्योंकि जो नेफथलीन होता है वो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है या नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वो किस में घुल सकता है, बेंजीन में घुल सकता है, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आई बात समझ में कि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा।
सीधी सी ये गणित है सॉल्युबिलिटी की। दूसरा ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, एक तो नेचर पे डिपेंड कर गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड प्रेशर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं पहला टॉपिक लेना कि कैसी सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की किसी भी एक लिक्विड में, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सॉल्युबिलिटी को लेकर कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात करती हूं सॉलिड इन लिक्विड, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूं। मैंने आपको ये बता दिया है कि कोई भी सॉलिड जो है हर कोई सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलता है, हम मैंने आपको बताया था पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में ही जो है डिजोल्व होते हैं, इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक मैं आपको चीज बताती हूं, जब भी कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर घुलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए मान लीजिए ये बीकर है, मैंने यहां पर क्या रखा है पानी रख दिया है और इसके अंदर मैंने डालना स्टार्ट किया शुगर, और ये क्या है हमारा H2O यानी वाटर, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर शुगर के दाने जो होंगे, मैं मान लेती हूँ ये दाने हैं शुगर का, एक तो ये दाना है, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूं ताकि आपको दिख सके, एक ये दाना है, ये मैं तीन चार दाने बना देती हूँ शुगर के, ठीक है। ये शुगर के इसके अंदर जो मैंने शुगर डाली है वो उसके दाने हैं, और यहां पर मेरा मैंने वाटर जो है इसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर घुलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे यहां पर दो प्रोसेस होंगे, आप देखिएगा पहला प्रोसेस और फिर दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो शुगर यहां पर क्या है आपको पता है सॉल्यूट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो जो शुगर के पार्टिकल्स रहेंगे या मैं कहूँ ये दाने रहेंगे, ये घुलना स्टार्ट हो जाएंगे वाटर में, ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे वाटर में। तो पहली प्रोसेस कौन सी हुई, डिजोल्यूशन की, इसे हम क्या कहते हैं डिजोल्यूशन, जब क्या कहते हैं हम डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब शुगर जो है वाटर में घुलने लग जाए, पार्टिकल जो है डिजोल्व होने लग जाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिजोल्यूशन। अब साथ ही साथ इस प्रोसेस में एक प्रोसेस और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब इस क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए ये सॉल्यूट ये शुगर, ये सॉल्यूट पार्टिकल और ये सॉल्यूट पार्टिकल, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ना स्टार्ट करेंगे, और एक दूसरे के साथ भिड़त में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में ये सॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? तो दो प्रोसेस हमारे पास यहां पर हो रहे हैं, एक हो रहा है डिसॉल्यूशन, दूसरा हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसी स्थिति आएगी सिचुएशन आएगी इस कंडीशन पर, सच इन दिस कंडीशन एट दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन में क्या आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो इक्वल हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो जाना यानी साम्य स्थापित हो जाना, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? और इस स्थिति में सेम टेम्परेचर पर, इसमें सेम टेम्परेचर पर ये जो कंडीशन आ जाएगी, इसमें टेम्परेचर जो पर्टिकुलर होगा उसमें जो सॉल्यूट होगा यानी जो शुगर होगा उसका कंसेंट्रेशन भी
स्थिर हो जाएगा या मैं कहूँ एकदम स्टॉप हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, एकदम स्थिर हो जाएगी चीज। और उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ये प्रोसेस जो है तब होता है जब हम शुगर को या सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं। ये सॉल्युबिलिटी हमारी सॉलिड एंड लिक्विड में होती है। ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। एक प्रोसेस मैं आपको बताती हूं, जब भी मैं थोड़ा सा ऊपर बताती हूँ आपको ताकि समझ में आए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, बात पता है। और सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में घुलता है ना, तब बनता है सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? शॉर्ट में लिख रही हूं डिसोल्यूशन। ये देखो जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, ठीक है। अब जब उल्टी हो जाए ये प्रोसेस, जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए तो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। इसको मैंने शॉर्ट में, अब आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या डिसोल्यूशन है और क्या क्रिस्टलाइजेशन। अब इस सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड है दो चीजें। आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है अनसेचुरेटेड, एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बात करेंगे हम उस पर। पहला हुआ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये शॉर्ट में है सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? जब टेम्परेचर और सॉल्वेंट की मात्रा अमाउंट मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? टेम्परेचर फिक्स, सॉल्वेंट फिक्स। इस स्थिति में, इस कंडीशन में अगर हम मोर सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाए इसमें, सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बात आई समझ में? अब अगर हम इस फिक्स टेम्परेचर में और फिक्स सॉल्वेंट की अमाउंट में, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, उस स्थिति को हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की। सॉलिड का जो लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, मैंने आपको बताया। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। सेकेंड चीज आती है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? चूंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, जो सॉलिड का लिक्विड में घुलना है वो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, इसलिए इसे एक लो फॉलो करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ली चार्टमियर प्रिंसिपल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो कंडीशन बनती है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैसा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, अगर एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, यहां पर दो कंडीशन बनती है। एक है एंडोथर्मिक, दूसरा क्या है? अगर प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। और इस केस में डेल्टा एच जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। बात करें एक्सोथर्मिक की, तो अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। और इस कंडीशन में डेल्टा एच सॉल्यूशन कितना होता है? लेस देन जीरो। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज ऑफ हीट, हीट में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बनती है इसके अंदर। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो नॉर्मल ये है। अगर बात करूं प्रेशर की, देखिए थर्ड पॉइंट जो है प्रेशर का आपके उसमें आता है। तो देखिए प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है आप देखते हैं। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में घुलता है? यहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई विशेष इफेक्ट इसके अंदर नहीं है।
क्यों नहीं है इसके अंदर इफेक्ट? क्योंकि आपको पता है सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना हम लोग। सॉलिड और जो लिक्विड है उनका प्रेशर पर क्यों कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनकी प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबिलिटी की। तो आई होप आपको सॉलिड एंड लिक्विड समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, गैस एंड लिक्विड। दूसरा टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सारी गैसेस जो हैं वो लिक्विड में घुले ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो फैक्टर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड के लिए वो होता है नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस, देखिए मैं बात करूं अगर नेचर ऑफ गैसेस की, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो लीस्ट यानी बहुत ही कम सॉल्युबल होता है किसमें? वॉटर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं बात करूं ऑक्सीजन की और एक तरफ बात करती हूं मैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये जो है बहुत ही इरिडिली मतलब बहुत ही आराम से सॉल्युबल होता है किसमें? वॉटर में। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वॉटर में और कौन नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है वॉटर में, जबकि जो HCl होता है वो बहुत ही इजीली वॉटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ सेकंड फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर की गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और वो फैक्टर है हमारा प्रेशर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? प्रेशर। देखिए, पहले पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि सीधी सी लैंग्वेज में प्रेशर अगर बढ़ेगा, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, ये इंक्रीज का साइन है ऊपर की तरफ तीर है, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी भी कैसी होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूं कैसे होगा ये सब। सपोज करिए मैंने यहां पर एक जार ले लिया है, यहां पर मैं पिस्टन लगा देती हूं ताकि सिस्टम को मैं बंद कर पाऊं। यहां मैंने पिस्टन लगा दिया है, इसे हम बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। यहां पर मैंने दो मीडियम लिया है, एक तो है सॉल्यूशन, इतना तो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, और ऊपर मैंने भर दी है गैस। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, देखिए ये तो है सॉल्यूशन और ये है गैस, ठीक है। मैंने यहां पर वेट लगा रखा है W1 यानी प्रेशर अप्लाई कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल मतलब मैंने दे दिया है, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बन है, ये सिचुएशन बन है। अब आप इसके अंदर देखिएगा कि मैंने यहां पर एक चीज और मान रखी है कि जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन फर्स्ट है किस चीज की? ये जो फिगर फर्स्ट है वो है, ये इस कंडीशन मैंने मानी है डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन मैंने मानी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, मतलब के इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस की जो गैस है उसकी सॉल्यूशन में मिलने की क्षमता, ठीक है, और गैस की सॉल्यूशन से बाहर आने की जो रेट है वो दोनों इक्वल है। दूसरे केस में मैंने क्या किया,
ये था हमारा पिस्टन। मैंने यहां पर वेट जो है वो ज्यादा कर दिया, यानी प्रेशर मैंने ज्यादा बना दिया। ठीक है, पानी सॉरी सॉल्यूशन ये रहा। अब जैसे ही मैंने प्रेशर बनाया ना, तो जो ये मैंने इस पे सपोज करिए मैंने इसी का ही दूसरा डायग्राम बनाया है, इसपे मैंने ज्यादा प्रेशर लगा दिया है, मतलब दो वेट और लगा दिए हैं, प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे ये भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये गैस के पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे वैसे ही इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है, इससे डायरेक्ट हमें पता चलता है फिगर टू से कि अगर प्रेशर हमने बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर अगर हमने बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो इस डायग्राम से हमें पता चलता है। एक बहुत ही फेमस हमारे जो है साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक लॉ निकाला था जिसे हम बोलते हैं हेनरी लॉ। उन्होंने भी अपनी थ्योरी में यही बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओ अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हेनरी लॉ के बारे में। देखिए, आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि जो डेल्टन हुए थे उन्होंने भी हेनरी की तरह ही जो है, जो हेनरी लॉ था उसी की तरह मिलता जुलता एक लॉ निकाला था और कही थी उन्होंने बात कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस एंड लिक्विड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। उन्होंने भी सेम बात कही थी, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसके अंदर हमें हेनरी लॉ पढ़ना है। तो देखिए हेनरी लॉ में क्या कहा गया, हेनरीज लॉ। क्या कह रहा है हेनरीज लॉ, तो देखिए क्या कहता है हेनरी लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज पी इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन। मतलब कि अगर यहां पर मोल फ्रैक्शन हमने यूज लिया है, अगर मैं सॉल्युबिलिटी का मेजरमेंट मानू मोल फ्रैक्शन को, तो क्या कहा है इसने कि पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए इधर, कि पार्शियल जो प्रेशर है वेपर फेज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो क्या आएगा, इज इक्वल टू के एच यानी हेनरी कांस्टेंट और यहां पर एक्स। ये क्या है हमारा के एच, यहां पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब यहां से हमें सीधी एक बात पता चलती है कि अगर के एच यानी हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर हेनरी कांस्टेंट किसी भी गैस का कम होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर गैस की इन लिक्विड। तो आई होप आपको हेनरी लॉ समझ में आया होगा। बस इसका डायरेक्टली मतलब यही निकल के आता है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस की। देखिए जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन आप घरों में भी देखते हैं, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं आप, तो आप देखिएगा जैसे ही आप ढक्कन खोल देते हैं उसका फट से जो है गैस ऊपर निकल के आती है। वो क्यों होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाइड करते हैं, यानी जो वो ढक्कन होता है उसे टाइटली बंद किया जाता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, प्रेशर उसे अच्छी तरीके से प्रेशर से उसको बंद किया जाता है। और क्या होता है जब भी हम उसे पीने के लिए उसका ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज हो गया और सारी की सारी जो CO2 की गैस होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, एक एप्लीकेशन हमारा हेनरी लॉ का ये है। दूसरा होता है, देखिए हाई एल्टीट्यूड में, दूसरा एग्जांपल है कि हाई एल्टीट्यूड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण जब वहां पर लोग होते हैं उनके ब्लड में और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उससे उनको रोग होता है जिससे कि वो सोचने की उनकी जो क्षमता है वो कम होती है। उस रोग को हम बोलते हैं एनोक्सिया, क्योंकि उस कंडीशन में उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है क्योंकि ऑफ ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, और उसी कारण उनके टिश्यूज में और आपकी ब्लड में, उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है।
ठीक है, एक ये हो गया एप्लीकेशन। थर्ड जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, वो होता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जिसे हम बोलते हैं, समुद्र में वो जाते हैं, गहरे समुद्र में जब वो सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है और उस कंडीशन में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जब वो सांस लेते हैं उस गहरे समुद्र के बीच में तो क्या होता है, जो बाकी सारी गैसेस होती हैं वो उनके ब्लड में चली जाती है, ठीक है। और सपोज मानिए कि वो क्या है, सतह पर आ गए, किसी भी सरफेस पर आ गए, अगर समुद्र के सरफेस पे अगर वो आते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन पे सरफेस पे जो प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, उनके ब्लड से वो सब सांस लेते हैं तो वापस से क्या निकलता है, उन गैसेस सारी निकल जाती है। जैसे ही वो सारी गैसेस निकली जो उनके अंदर नॉर्मल सांस लेते हुए आ गई थी, तो उस कंडीशन पे उनकी मतलब ब्लड में नाइट्रोजन के बुलबुले जो है, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले स्टार्ट हो जाते हैं बनना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स, कि ये बैंड हो गया, ठीक है। और उससे काफी सारी डिजीज जो है बनने लग जाती है, डिजीज उनके शरीर में हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति से बचने के लिए वो टैंक का यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग के लिए उनके पास टैंक होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हीलियम, डायल्यूटेड हीलियम होता है, एयर होती है उस टैंक के अंदर, एयर होती है जिसके अंदर डायल्यूट हीलियम होता है, ठीक है, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होती है, ताकि जो नाइट्रोजन की बबल बनने की जो एक कंडीशन हो जाती है वो ना हो। तो इस तरीके से ये तीन एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बढ़ता है थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, डिक्रीज होती है। हम ये मानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो एक डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, और जो डिसोल्यूशन होता है इस प्रोसेस के अंदर जो क्रिया होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो कैसा नेचर का है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड में कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड में। आई होप आपको दोनों टॉपिक आज के अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।